मेरा नाम अहमद है और ये मेरी कहानी है। मतलब ये कहानी मेरे साथ तो नहीं हुई थी, बट मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। ये घटना साल 2001 की है और इस समय मैं इजिप्ट के कायरो में एक इंजीनियर का काम करता था। मेरा काम था कायरो से अलग अलग गांव और शहरों में जाने वाली सड़कों को बनाना। आप जानते ही है, इजिप्ट एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट केंद्र है और यहाँ सरकार हमेशा ही कोशिश करती है कि सड़कें और ऐसी सुविधाएं बहुत अच्छी रहे ताकि टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा मैंने कहा कि मैं एक इंजीनियर था और कायरो शहर में ही रहता था। मेरे परिवार में मेरे बीवी और दो बच्चे थे और मुझे आमतौर से ही उनसे दूर और अलग बहुत समय बिताना पड़ता था, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा था। मुझे अलग अलग साइट्स पे जाके रहना पड़ता था जो कि कायरो से बहुत दूर होती थी। 2001 का जून का महीना था और हम एक 6 लेन सड़क बना रहे थे कायरो से जगाजिक नामक एक शहर के लिए। अब ये काम लगभग आधा हो चुका था और हम इस वक्त एक छोटे गांव के सामने से सड़क बना रहे थे। हमें यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। आप समझ ही सकते हैं, एक छोटे से गांव के पास तो आपको कोई होटल्स नहीं मिलेंगे। हमें उम्मीद यही थी कि यहाँ एक बार सड़क निर्माण होने के बाद शायद इस हाईवे पे होटल्स और रेस्टोरेंट और भी खुल जाएंगे। मैं और मेरे कुछ लोग यहाँ के गांव के एक मकान में ही रहने लगे। ये मकान हमें भाड़े पे मिला था और हमें खाना भी गांव के लोग ही बना के दिया करते थे। आज संडे का दिन था और हमारी हर संडे को छुट्टी हुआ करती थी। हर संडे ही हम वापस कायरो चले जाते थे, मगर आज हमने तय किया कि हम गांव में ही रहेंगे और गांव वालों से बातें करेंगे। हम दोपहर का खाना खाने के बाद गांव के एक बुजुर्ग इंसान से मिलने जाते हैं। ये आदमी हमें गांव की अलग अलग कहानियां बता रहा था और इसने हमें एक कहानी बताई। ये कह रहा था कि हम जिस जगह से सड़क बना रहे हैं उसके पास ही एक पुरानी मिल है जो कि बंद पड़ी है। वो कहता है कि इस मिल के पास ही एक बहुत पुराना खजाना छुपा हुआ है जिसकी रक्षा जिन करते हैं। मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं और मेरे बाकी के वर्कर्स भी पढ़े लिखे हैं। हम भले ही इस बात का विश्वास नहीं करते हैं, पर हमारे कुछ वर्कर्स कहते हैं कि उन्होंने भी सुना है कि गांव की ऐसी जगहों पर खजाना होता है और लोग इन्हें ना ढूंढे इसलिए कहानियां बनाई जाती है कि इन खजानों की रक्षा जिन करते हैं। हम सारा दिन वहां बैठ के बात करते हैं और फिर शाम में हम खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हम अपनी साइट पे पहुंचे और हमने काम करना शुरू कर दिया। काम करते हुए जब लंच ब्रेक होता है तो मेरे कुछ वर्कर्स रियाज, शोएब और तारिक उस मिल को ढूंढते हैं और वहां जाके वो लोग खुदाई शुरू करते हैं। मैं उस वक्त उनके साथ ही गया था और मैं भी देखना चाहता था कि ये लोग क्या करते हैं और मुझे पता था कि ये पक्का अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। बारी बारी तीनों खुदाई कर रहे थे और लगभग 12 फीट का गड्ढा जब खुद चुका था तब रियाज कहता है कि अंदर कुछ है। जल्दी से तीनों गड्ढे के अंदर घुसते हैं और उन्होंने थोड़ा और खोदा तो देखा ये किसी दरवाजे जैसा लग रहा था और इसके नीचे कुछ तो था। अब हम सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि हमने सोचा कि हमें जरूर कुछ ऐसी चीज हाथ लगी है जिससे शायद हम बहुत अमीर बन जाए। सच कहूं तो मैं ये तो नहीं सोच रहा था कि इसके अंदर कोई खजाना होगा, पर बस ये सोच रहा था कि अगर हमें कोई पुरानी चीज भी मिल जाती है तो हम या तो बहुत अमीर हो जाएंगे या फिर हमारा नाम बहुत हो जाएगा। हम तुरंत एक मशीन बुलाते हैं और उस बड़े से पत्थर के दरवाजे को हटाने की कोशिश करते हैं। जब हम ये सब कर रहे थे तभी गांव से कई लोग आते हैं और वो हमें ये काम करने से रोकने की कोशिश करते हैं। मैंने उनको समझाया कि अब जब हमें ये जगह मिल गई है तो अगर हम खुदाई नहीं करेंगे तो सरकार यहाँ आके खुदाई जरूर करेगी। मैं उन्हें अगले कई घंटों तक समझाता रहता हूँ कि जिन और ऐसी चीजें नहीं होती है और ये
कि अगर हमें यहां कोई खजाना मिला तो हम उनमें से गांव वालों को भी हिस्सा देंगे। ये सुन के गांव के कई जवान लोग मान जाते हैं, मगर कई सारे बूढ़े अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। मैंने सब जवान लोगों को कहा कि वो बूढ़े और बुजुर्ग लोगों को यहां से समझा के ले जाए, क्योंकि हम ये खुदाई अंधेरा होने से पहले खत्म करना चाहते हैं। वो सब लोग वहां से चले गए और फिर हमने वो बड़ा पत्थर हटा दिया। अब भले ही हमें किसी को भी जिन वाली बात पर विश्वास नहीं था, मगर पहले नीचे कौन जाएगा? वहां मौजूद हर इंसान ही नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर आखिर में शोएब कहता है कि वो नीचे जाएगा और देखेगा कि अंदर क्या है। शोएब जैसे ही गड्ढे के अंदर अपना मुंह डालता है तो वो चिल्लाते हुए बाहर आया। वो पागलों की तरह यहां वहां भाग रहा था और बस कह रहा था कि इनको मेरे सर से हटाओ। वो ये बात बार बार कह रहा था और पागलों की तरह चिल्ला रहा था। हम सब भाग के उसको पकड़ लेते हैं, मगर उसमें बिल्कुल इतनी ताकत आ गई थी कि वो हम चार लोगों से भी काबू में नहीं आ रहा था। मैं तुरंत जाके एक रस्सी ले आता हूँ और हमने किसी तरह से उसे रस्सी से बांध दिया और वो लगभग 5 मिनट तक बस यही चिल्ला रहा था कि इनको मेरे सर से हटाओ। और उसके बाद शोएब बेहोश हो जाता है। हम सब उसे तुरंत करीबी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और अगले 2 हफ्तों तक वो कोमा में चला जाता है। कोमा से ठीक होने के बाद हमने सुना कि शोएब की आंखों की रोशनी चली गई थी। हम उसे हॉस्पिटल में 1 महीने बाद मिलने जाते हैं और जब हमने उसे पूछा कि उसने उस दिन क्या देखा था, तो वो कहता है कि जैसे ही उसने गड्ढे के अंदर देखा तो वहां उसे 2 बूढ़े आदमी दिखाई देते हैं। ये 2 आदमी पूरे सफेद कपड़े पहन के थे और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी भी थी। वो कहता है कि ये दोनों तुरंत उस पे हमला कर देते हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हजारों चाकू उसे मार रहा है। शोएब हमें ये भी कहता है कि वो दोनों उसे रोज देखते हैं और ये कि उन्होंने कहा है कि वो उसे 2 महीने बाद ले जाएंगे। मुझे लगा जरूर शोएब ने कुछ और ही देखा होगा, या फिर शायद वो दरवाजा कई 100 सालों से बंद था तो इसीलिए उसके अंदर कोई ऐसी गैसेस होंगी जिससे शोएब की आंखों की रोशनी चली गई है। हम अपना काम जारी रखते हैं और फिर अचानक हमें ये खबर आती है कि शोएब की मौत हो चुकी है। जब मैंने ये बात बाकी लोगों से कही तो हमें पता चला कि आज उस घटना को ठीक 2 महीने हुए हैं और ये कि शोएब सही बोल रहा था कि उसे वो लोग 2 महीने बाद ले जाएंगे। हमें इस गांव के कुछ लोगों ने भी कहा कि जरूर शोएब को उस खजाने के जिन ने ही मारा होगा और ये पूरी तरह से हमारी गलती है कि हमने उसे इस खतरे में डाला। मैं सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि क्या सच में ये कोई जिन था या नहीं, मगर हां अगर मैं यहां के सारे लोगों की बात मानूं तो ये कोई जिन ही था, 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 जिन ही था। दोस्तों, अगर आप मेरी ये स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम आदिल है और ये मेरे परिवार की कहानी है। मैं यूके में रहता हूँ, मगर मेरा जन्म यहाँ नहीं हुआ। मेरे पिताजी की यहाँ एक कॉफी की शॉप है और मेरे परिवार में बस मैं और मेरे पापा है। मेरा जन्म टर्की के अंकारा नामक शहर में हुआ था, पर उसके बाद मेरी माँ की मौत हो जाती है और पापा मुझे लेके यूके में चले आते हैं। ये कहानी है साल 2011 की, जब मैं 17 साल का था और तब तक मैं एक बार भी टर्की और अपने घर नहीं गया था। ये 2011 का जून का महीना था और मैं अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस करके घर आया और पापा भी तब तक घर आ चुके थे। तभी हमारे घर का
फोन बज उठा और पापा फोन उठाते हैं। पापा ने हेलो कहा और उसके बाद वो एकदम चुप हो जाते हैं। मैंने पापा से कहा कि क्या हुआ है, मगर वो एकदम चुप थे और बस फोन को पकड़ के खड़े थे। मैंने जाके पापा को हिलाया और वो जैसे ही होश में आते हैं, पापा ने मुझे बताया कि हमें कल ही टर्की जाना होगा क्योंकि मेरे दादाजी की मौत हो गई है। पापा अपने कुछ दोस्तों और ट्रैवल एजेंट से बात करके अगले दिन सुबह की फ्लाइट बुक करते हैं और मैं अपने दोस्तों और फुटबॉल क्लब में बता देता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे टर्की जाना होगा। मैं रात भर पैकिंग कर रहा था और पापा बस रोए जा रहे थे और वो अपने पिताजी को याद कर रहे थे। पापा ने मुझे दादाजी के कई किस्से बताए कि वो कैसे बहुत बहादुर इंसान थे और ये कि मेरे दादाजी आर्मी में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। मैं सच कहूं तो मेरे पापा ने कभी भी मुझे अपनी परिवार के बारे में ज्यादा नहीं बताया था। मतलब मुझे ये पता था कि मेरे दादा टर्की में रहते हैं और ये कि मेरी माँ का परिवार भी वही का है, पर ना ही हमने कभी उनसे बात की थी और ना ही कभी हम उनसे मिलने गए थे। हम सारी रात नहीं सोते हैं क्योंकि हमारी फ्लाइट अगले दिन सुबह 11 बजे की थी और हम सुबह जल्दी ही हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। हम एयरपोर्ट पहुंच के बैठे थे और पापा तब मुझे एक बात बताते हैं। पापा बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तब हम लोग एक भाड़े के घर पे रहा करते थे। मेरी माँ ने पापा से कहा था कि हम मेरे जन्म के बाद अपना एक घर ले लेंगे। मेरे पापा मेरे पैदा होने के बाद बहुत कोशिश करके एक घर ढूंढ रहे थे खरीदने के लिए। पापा की टर्की में भी एक बेकरी की शॉप थी और हम उस वक्त बहुत गरीब थे। पापा के पास घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे तो नहीं थे, मगर फिर भी वो अपने बजट में ही शहर से बाहर एक घर ढूंढ रहे थे। पापा को एक दिन एक एजेंट का कॉल आता है और वो उन्हें एक घर दिखाने के लिए बुलाते हैं। पापा और माँ मुझे नानी के घर छोड़ देते हैं और वो दोनों ही ये घर देखने के लिए चले जाते हैं। ये घर शहर से बाहर था, मगर ज्यादा बाहर नहीं, पर ये घर एकदम सुनसान इलाके में बना हुआ था। इस घर के आसपास कोई घर नहीं था और अगला घर यहां से लगभग 600 मीटर की दूरी पर था। पापा ने कहा कि जब उन्होंने ये घर देखा उनके पूरे होश उड़ जाते हैं। ये घर एक 5 बेडरूम का 2 मंजिला घर था। घर के बाहर एक स्विमिंग पूल, पार्किंग और गार्डन भी बहुत बड़ा बना हुआ था। पापा ने जब ये घर बाहर से देखा तो वो प्रॉपर्टी एजेंट को कहते हैं कि ये घर हमारे बजट में नहीं आएगा और हम वापस जाना चाहते हैं, मगर वो एजेंट कहता है कि पहले वो ये घर देख ले और फिर पैसों की बात की जाएगी। माँ ने भी पापा से कहा कि हमें ये घर देख लेना चाहिए, पता नहीं कब हमें ऐसे घर के अंदर जाने का मौका मिलेगा। वो दोनों घर को अंदर से आधे घंटे तक देखते हैं और वो दोनों ही इस घर के प्यार में गिर जाते हैं। पापा ने आखिर में जब उस एजेंट से इस घर के बारे में पूछा तो वो कहता है कि ये घर उनके बजट से कम में ही मिल जाएगा। पापा ये सुन के बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था जगह और घर के अनुसार ये लोग लगभग 1/4 पैसे से भी कम मांग रहे हैं। माँ तो बहुत खुश हो गई और वही पापा को कहती है कि हमें अभी ये घर फाइनल कर देना चाहिए। पापा कुछ देर सोच के उस एजेंट से पूछते हैं कि कुछ तो है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये घर इतने कम रेट में क्यों मिल रहा है। वो एजेंट आखिरकार पापा को कहता है कि ये घर पिछले 10 सालों से खाली पड़ा हुआ है और ये कि इसके पहले यहाँ जो रहते थे उस परिवार के एक 16 साल के बेटे ने एक रात अपने पूरे परिवार को मार दिया। वो लड़का पुलिस की हिरासत में है और उसने ये बताया कि उस घर में ऐसी एक ताकत है जो कि उसे ये काम करवा रही थी। यहाँ कई सारे पैरानॉर्मल टीम्स भी आके इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं
और कई लोगों ने यहां एक चिन्ह होने का दावा किया है। पापा ये बात सुन के हंसने लगे और फिर वो इस एजेंट को कहते हैं कि वो उन्हें बाद में कॉल करके डील फाइनल कर लेंगे। पापा और माँ घर वापस आते हैं और इस बात पे उन्होंने थोड़ी बात की और फिर हमने ये घर खरीद लिया। पापा और माँ ने ये तय किया कि इस घर में ऐसा कुछ हुआ है, ये बात वो लोग अपने घर वालों को नहीं बताएंगे, वरना उनके घर वाले इस घर को खरीदने नहीं देंगे। अगले 10 दिनों के अंदर हम लोग इस घर में आ चुके थे और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। पापा सुबह कैफे चले जाते थे, माँ एक हाउसवाइफ थी और घर में ही मेरे साथ रहती थी। हमारे यहाँ आने के लगभग 1 महीने बाद पापा ने देखा कि माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब होते जा रही थी और ये कि माँ बहुत कमजोर भी हो गई थी। पापा ने एक दिन मेरे नाना को खाने पे बुलाया और वो जैसे ही घर के अंदर आए वो बिल्कुल चौंक जाते हैं। नाना ने पूछा कि क्या इस घर में सबकी तबीयत ठीक है। पापा चौंक गए और उन्होंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ है। नाना घर के अंदर नहीं घुसते हैं और उन्होंने बाहर से ही माँ से मिलने को कहा। माँ जैसे ही बाहर आती है नाना कहते हैं कि इस पे किसी चीज ने कब्जा कर रखा है और इसे हमें तुरंत ही किसी बड़े मौलवी को दिखाना होगा। पापा ये बात सुन के हंसने लगे और उन्होंने कहा कि माँ की तबीयत ठीक है और नाना को उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नाना ने कहा कि वो माँ को अभी अपने साथ अपने घर ले जाएंगे और उन्हें पापा की एक भी बात नहीं सुननी है। पापा और नाना के बीच वहां थोड़ी बहस हुई मगर नाना आखिरकार माँ को वहां से ले जाते हैं। पापा ने कहा माँ को लेके नाना एक बहुत बड़े मौलवी के पास गए और उन्होंने माँ को बहुत दिनों तक वहां इलाज करवाया मगर माँ की सेहत में कोई भी तब्दीली नहीं आती है। पापा ने एक दिन नाना को फोन करके कहा कि वो माँ को अगले दिन सुबह ले जाएंगे और ये कि वो माँ का इलाज बड़े शहर में जाके करना चाहते हैं। नाना ने पापा को बहुत समझाया पर पापा बोले कि हमें मौलवी से भी इलाज करवा के देख लिया और माँ की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया है तो अब वो माँ को किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं। अगले दिन सुबह पापा जब नाना के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। पापा ने बहुत देर तक दरवाजे को बजाया और उनके घर में भी फोन किया पर फोन भी बस बजे जा रहा था और कोई नहीं उठा रहा था। पापा ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और जब वहां पुलिस आई और उन्होंने घर को खोला तो उन्हें जो दिखा वो लोग पूरी तरह चौंक जाते हैं। सबने देखा कि माँ ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था और वो किचन के अंदर खाना बना रही थी। पुलिस ने तुरंत माँ को पकड़ लिया और उन्हें जेल हो गई। माँ ने भी वही बात कही कि इस घर में कुछ था जो कि माँ से बात करता था और माँ को ये कहता था कि वो अपने पूरे परिवार को मार दे। माँ ने ये कहा कि अगर नाना उन्हें अपने घर नहीं ले जाते तो वो पापा और मुझे उसी रात मारने वाली थी। पापा ने बताया जेल में लगभग 1 महीने बाद माँ ने खुदकुशी कर ली थी और फिर पापा मुझे लेके यूके आ जाते हैं। ये पूरी कहानी जब खत्म हुई तो पापा और मेरे हम दोनों के आंखों में ही आंसू थे। हमारी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ और हम बोर्डिंग करने के लिए चले जाते हैं। आज हम फिर इतने सालों बाद उसी देश में वापस जा रहे थे जहां मेरे पापा ने इतना दुख और दर्द देखा था। मैं शुक्रगुजार हूं अपने पिता का जिन्होंने मेरे बचपन पे कभी भी इस चीज का साया नहीं पड़ने दिया और मुझे कभी भी नहीं बताया कि उनके दिल में कितना दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां अच्छी लगी होगी। अगर आपको जिनकी और भी कहानियां सुननी है तो स्क्रीन पे आ रहे इन दो में से किसी एक कहानी को क्लिक करके आप सुन सकते हैं।
तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।